हमारे साथ हैं अलवर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी, एसटीवी से विशेष बातचीत हम उनसे कर रहे हैं। अजय अग्रवाल जी, आप ये बताएं कि आपकी टिकट को लेकर काफी कशमकश चला और राजस्थान में एकमात्र ऐसे ही प्रत्याशी हैं जिनके नाम की घोषणा कांग्रेस के महासचिव ने पहले ही कर दी थी, तो आपको पहले क्या अंदाजा था कि आपको टिकट मिलेगी और क्या आपने तैयारी की थी? सबसे पहले मैं एसटीवी के व्यूअर्स और आदरणीय धर्मेंद्र जी और जोगल जी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से ये इस बार शुरुआत से ये था कि जब कैंडिडेटों से बायोडाटा लिया जा रहे थे तो सबको स्वतंत्र अधिकार है कि चुनाव में टिकट सब मांगते हैं। मैंने भी अपना बायोडाटा दिया, पर मेरी बायोडाटा में मैंने जो भी पर्यवेक्षक आए उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आप खूब सर्वे करा लीजिए अलवर शहर में, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कितना ही सर्वे करवा लीजिए। यदि अजय अग्रवाल को 70% अभाव, यदि फर्स्ट ग्रेड का यदि उसमें सर्वे में नंबर आता हो तो अजय अग्रवाल के नाम पर विचार कीजिएगा। यदि अजय अग्रवाल के 59% आती हो तो दूसरे साथी पर विचार कीजिएगा। उसके चलते हुए शुरुआत से ही ये रहा कि ये टिकट में जैसे भी सर्वे आते रहे, सर्वे के हिसाब से मेरा नाम सर्वाधिक रूप से चला। और दूसरे रूप से ये भी रहा कि हम सब की एक इच्छा भी थी, इस बार का चुनाव भंवर साहब यहाँ से लड़ें, लेकिन भंवर साहब को हमने सबने प्रयास भी किया और जितने भी कैंडिडेट थे सबने उनका नाम को सहमति बना दी, जबकि भंवर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। फिर भी हमने कहा विचार कर लीजिए, हमारा मन है आप चुनाव लड़ोगे तो और भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिएगा, एक बार ये माना जा रहा है कि 15 साल से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता पर नहीं आई है अलवर विधानसभा में, और दूसरी ओर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित 30-32 लोग हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। क्या कांग्रेस आपके साथ भीतरघात करेगी, क्या आपके साथ खड़ी रहेगी? देखिए, 14 साल में तो राम का भी वनवास टूट गया था भाई, तो अब ये 15वां साल चल रहा है, कांग्रेस का वनवास टूटेगा, हम विजयी होंगे, फिर से दिवाली बनेगी और कांग्रेस का एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े कार्यकर्ता सहित आदरणीय भंवर साहब और राजस्थान में जितने भी हमारे बड़े लोग हैं उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ है और उन सबकी एक इच्छा है, इस बार अलवर में हम बदलाव के साथ यहाँ परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन करें। निश्चित रूप से दोनों तरफ बदलाव हुआ, राजस्थान में जिस तरह से सत्ता के खेल चलता था, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, हम भारी बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना रहे हैं और अलवर में भी भारी बहुमत के साथ हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह की साख भी इस सीट से जुड़ी हुई है, अब ऐसे में आपका क्या विजन होगा और पार्टी से अलग, यानी भाजपा से आपकी सीधी टक्कर है, संजय शर्मा से सीधी टक्कर है, आपके पास क्या विजन है शहर में जिसको लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? मेरा एक ही मकसद है, इस शहर का संपूर्ण विकास। मैंने आपको कहा, मैंने एक ही टैगलाइन दी है, मेरी जिद है इस शहर की सूरत बदलनी है। आप धर्मेंद्र जी मेरे को बचपन से जानते हैं, जो काम मैं ठान लेता हूँ उसको करके दिखा दूँ, कोई भी क्षेत्र का काम हो मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैंने बड़ी निष्ठा और वफादारी से निभाया। जब मैं काम करता हूँ ना, मैं न समय की बर्बाद करता हूँ न अपने घर की बर्बाद करता हूँ। वैसे भी अब तो मैं सन्यासी हूँ, मेरे बच्चे शादी ब्याह करके मैं फ्री हूँ, गौशाला में ठिकाना लगा रखा है, फिर दोबारा जमीन में बैठ के आम जनता की समस्याओं को सुनूंगा, उनके साथ मिलकर काम करूँगा। अलवर के जनमानस को मेरे पे विश्वास है, उनके विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा और इस सीट को पहली बार जीत कर भंवर जितेंद्र सिंह जी के कदमों में डाल दूँगा। आप लोगों के बीच में जाएं, क्या क्या आपकी मुख्य प्राथमिकता, 5 पॉइंट हमको बताएं कि आप ये करेंगे, शमशान घाटों का कायाकल्प करेंगे या सड़कें बनाएंगे, क्या क्या आप मांग? देखिए, ये मूलभूत सुविधा है हर शहर के विकास के लिए। मेरे छोटे छोटे, ये तो मेरे लिए बहुत छोटा काम है, शमशानों को सुधरवाना, लाइट का काम, ये छोटे मोटे काम। मेरे मन में एक जो सबसे बड़ी है, अलवर शहर में पहले पानी की व्यवस्था है। दूसरा मेरे है, अलवर जो पुराना शहर है ये अपना, इसमें क्या है, व्यवसाय धीरे धीरे दूसरे जगह मार्केटों में जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमारी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। जो पार्किंग को मैं जब चेयरमैन होते हुए कुछ कारणों से नहीं कर पाया, निश्चित रूप से अब मैं समझता हूँ विरत रूप से हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे तो जिससे व्यवसाय दोबारा फलेगा फूलेगा। दो काम अजय अग्रवाल, सबके नेता रहे हैं, आप नगर परिषद के सभापति रहे हैं, क्या अब ये जाति आधारित चुनाव होगा या सभी जातियों का चुनाव होगा? मैं तो सर्व जातीय सब लोगों का लाड़ला हूँ, इसलिए चुनाव शहर की जनता लड़ रही है, अजय अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहा। आज भी बाजार में देख लीजिए, सब लोग कह रहे थे भाई हमारा तो बेटा लड़ रहा है चुनाव, हम तो अजय अग्रवाल को वोट देंगे कोई, क्योंकि इससे पहले भी काम किया, वो जब सड़कों पे जब चल रहे थे ना, उनको याद है कि 15 साल पहले ये सड़क जिस पर चल रहा है ये भी अजय अग्रवाल ने बनाई थी,
लोग मेरे विजन को जानते हैं और मेरे पास इस अलवर को, मेरा एक आपको भी बताना चाहता हूँ, जिस तरह शांति धारीवाल ने कोटा को चमका दिया, जिस तरह अशोक गहलोत जी ने जोधपुर को चमका दिया, जिस तरह से बड़े मेट्रो सिटी में जयपुर अजमेर उदयपुर की नियुक्ति होती है, मेरा ये प्रयास रहेगा अलवर को उनके मुकाबले नहीं तो उनके समकक्ष ला के खड़ा करने का मेरा अद्भुत प्रयास रहेगा। उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ, कृत संकल्पित हूँ, अपने हौसले से अड़िंग हूँ और करके दिखाऊंगा, ऐसे मेरा मानना है। ये है कांग्रेस प्रत्याशी अधी अग्रवाल, जिन्होंने वादा किया है कि शहर की कायाकल्प कोटा की तरेंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या जीत होती है, हार होती है और किस तरह कोटा की तरह अलवर बदलेगा। एसटीवी के लिए धर्मेंद्र अदलक्कड़।